इस सवाल में आपको दो सेंटेंस दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। देखिए, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो हाँ, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सेमीकंडक्टर्स में जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी कम होते हैं, वहां और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है कि वो फ्री हो सके, कि वो अपने एटम से फ्री हो सके। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसलिए हाँ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। दूसरा स्टेटमेंट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इन अ कंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की स्पीड बढ़ती है, इसलिए वो आयन से जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं। ये मेटल के बारे में बात हुई और ये सेमीकंडक्टर के बारे में बात हुई। क्लियरली कोई स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों अनरिलेटेड बातें हैं। पर हाँ, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पर कोई स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।